सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए भारत और मिस्र। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति के बीच वार्ता में कई समझौतों पर बनी सहमति। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका। दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के रुख का किया था समर्थन। कंट्रीज कोर इंटरेस्ट लाइक सोवरेनिटी वी शुडंट प्ले पॉलिटिक्स विद इट एंड दिस इज द ओनली थिंग आई हैव सेड बट दिस हैज मेड अ लॉट ऑफ पीपल वेरी इनसिक्योर। जिस प्रकार का रवैया कांग्रेस पार्टी ने अपनाया अनिल एंटनी के खिलाफ वो उनकी असहिष्णुता और इमरजेंसी मानसिकता को दर्शाता है। जेएनयू में बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर भारी हंगामा। छात्रों के दो गुटों में झड़प के बाद जेएनयू में बढ़ाई गई सुरक्षा। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की किताब में पाकिस्तान की नापाक हरकत पर बड़ा खुलासा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ परमाणु हमले की साजिश में था तिल मिलाया पाकिस्तान। भारत भी जवाबी कार्रवाई को था तैयार। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 8 हफ्तों के लिए दी जमानत। 1 हफ्ते के भीतर जाना होगा यूपी और दिल्ली एनसीआर से बाहर। पाकिस्तान में और बड़ा सियासी संग्राम। पूर्व मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीटीआई ने कहा इमरान खान को भी गिरफ्तार करने की तैयारी। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने के मामले में कार्रवाई तेज। हिरासत में लिया गया एसपी विधायक का बेटा। सीएम ने बनाई 3 सदस्यों की जांच कमेटी। हादसे में 1 महिला की मृत्यु। शाहरुख खान की फिल्म पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज। फिल्म के विरोध में कई जगह प्रदर्शन। सिनेमाघरों के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। When the credits are low and debts are high and you want to smile but you have to die.